नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके लिए एक और नए विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास जितेंद्र जी ने मैसेज लिखा है, इन्होंने लिखा है, सर साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्टेयर्स बना सकते हैं या नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, साउथ वेस्ट में स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से साउथ वेस्ट की स्टेयर्स नुकसान देती है। क्योंकि जब स्टेयर्स साउथ वेस्ट में बनाते हैं और ऊपर जाकर स्टेयर्स से जो एंट्री होती है वो साउथ वेस्ट की बनती है, तो इसलिए साउथ वेस्ट के एंट्रेंस को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। जब स्टेयर्स साउथ वेस्ट में बनेंगी तो एंट्रेंस भी ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट में ही बनेगी। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है, जब स्टेयर्स साउथ वेस्ट में बनती है तो छत के ऊपर साउथ वेस्ट का हिस्सा ममटी बनाकर ऊंचा कर दिया जाता है, जिसके कारण आपका साउथ वेस्ट का हिस्सा हमेशा ही ऊंचा हो जाता है और उसके ऊपर पानी के ओवरहेड टैंक भी रख दिए जाते हैं। इस प्रकार साउथ वेस्ट के स्टेयर्स को अच्छा माना जाता है। लेकिन जब हम फ्लोर सिस्टम बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर से स्टील पार्किंग से या नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, तो उस फ्लोर की जो एंट्रेंस बनती है वो साउथ वेस्ट की बनती है। स्टेयर्स साउथ वेस्ट में हमेशा ही हैवी बनानी चाहिए, लाइट वेट की स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए। अब स्टेयर्स साउथ वेस्ट में बनाना मजबूरी है तो किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इमेज तो आपने देखी होगी कि स्टेयर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार आप अपनी स्टेयर्स बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपका अपना एक घर है, ये आपके अपने रोड है जो कि वेस्ट फेसिंग है, ईस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये मान लीजिए आपने अपने घर में फ्रंट का भाग ओपन छोड़ दिया है और आप साउथ वेस्ट जोन में, इस जोन में आप अपनी स्टेयर्स बना रहे हैं। यहाँ से आप चढ़ के जाते हैं और ऊपर यहाँ पर आपके अपनी एंट्रेंस होती है, तो ऐसी एंट्रेंस वास्तुशास्त्र में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये साउथ वेस्ट का एरिया हमेशा के लिए आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। हर एक फ्लोर का साउथ वेस्ट का एरिया खुल जाता है। हाँ, साउथ वेस्ट में स्टेयर्स कब बना सकते हैं, जब आप इस एरिया को कंप्लीट ओपन रखते हैं। यहाँ से स्टेयर्स आपकी घूम के ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद आपकी जो एंट्रेंस बनती है वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट जोन तक, इस जोन तक आप जहाँ चाहें वहाँ एंट्रेंस बनाते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि आप उस समय साउथ वेस्ट में स्टेयर्स बना सकते हैं। यदि आप स्टेयर्स यहीं बनाते हैं और यहीं से अपनी एंट्रेंस करते हैं तो ये एज पर वास्तु अच्छी नहीं मानी जाती। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपकी स्टेयर्स किस प्रकार से और बनती हैं। ये आपने फ्रंट में ओपन छोड़ दिया है और ये आपकी अपनी स्टेयर्स बन रही हैं। आप यहाँ से आते हैं और क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आपके अपने दीवार आ जाती है, यहाँ से आपके अपने घर की एंट्रेंस बनती है, तो ये एंट्रेंस आपकी साउथ वेस्ट जोन की ओर की आती है, जो कि एज पर वास्तु बिल्कुल गलत है। ऐसे स्टेयर्स कभी भी अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में नहीं बनानी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप स्टेयर्स साउथ वेस्ट में इस प्रकार से बनाते हैं और अपनी एंट्रेंस वेस्ट से करते हैं, तो वो एंट्रेंस आपकी सही रहेगी और वो स्टेयर्स भी आपकी सही रहेगी। लेकिन इस प्रकार की स्टेयर्स कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते। ऐसे घर में रहने वालों का स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों के कभी भी काम पूरे नहीं होते, हमेशा ही उन लोगों को एक स्टेज पर आकर नुकसान भी उठाना पड़ता है और ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा ही स्वास्थ्य के प्रति परेशान रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक तो एंट्रेंस गलत हो जाती है, एक साउथ वेस्ट का हिस्सा आपका ओपन हो जाता है।
मेरी वीडियो को हमेशा ही आप ध्यान से देखें, सुने, समझें। नहीं समझ आती तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देखें। आपको मेरी हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर समझ आएगी। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ, ताकि आप अपना घर बनाएं तो आपका घर हमेशा ही सही बने। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि बंसल जी, हमने तो सिर्फ मोटा मोटी वास्तु करनी है, अपने घर की मोटा मोटी वास्तु सही हो जाए तो हमारा घर ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस छोटा सा लालच करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप वास्तु कराना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से वास्तु कराएं, ताकि आपके घर के अंदर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। अधूरा वास्तु हमेशा ही नुकसान देता है। हाँ, आपकी अपनी बिल्डिंग बनी हुई है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप चारों तरफ से घूम फिर के थक चुके हैं, तो आप अपने घर के वास्तु को सही जरूर करें। मान लीजिए आपके घर के अंदर बहुत सारे वास्तु दोष है, उसमें से ये देखिए कि आप कौन से वास्तु दोष को अपने घर से दूर कर सकते हैं, यानी कौन से वास्तु दोष को आप सही करा सकते हैं, उसको जरूर करवाने की कोशिश करें। वहाँ आप कच्चा लालच बिल्कुल भी ना करें। मान लीजिए आपके घर के अंदर वास्तु दोष के 10 पॉइंट ऐसे बनते हैं जो मेजर भी है और माइनर भी है, तो सबसे पहले आप माइनर यानी जो हल्के हल्के उपाय है वो आप अपने यहाँ पर जरूर करें। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अलमेरा गलत रखी है, तो उस अलमेरा को आप सही दिशा में रखें। मिरर गलत दिशा में लगा हुआ है तो आप उस मिरर को कवर करें या वहाँ से हटाएं। खिड़कियाँ दरवाजे आपके गलत दिशा के खुले हुए हैं तो उनको बंद करें। सही दिशा की खिड़कियाँ और दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं तो उनको खोलना शुरू करें। कहीं पर कोई कलर का कर्टन गलत लगा हुआ है तो आप उस कर्टन को जरूर हटाएं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से आपको रिजल्ट जरूर पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका अपना घर बना हुआ है और आप अपने घर के वास्तु दोष को सही करना चाहते हैं, तो जो काम आप सबसे पहले कर सकते हैं वो काम आप अपने यहाँ पर जरूर करें। आपको जैसे जैसे रिलीफ मिलेगा वैसे वैसे आप अपने घर के सभी वास्तु दोष को एक एक करके दूर कर सकते हैं। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं या आप अपने पर्सनल अनुभव के लिए वास्तु सीखना चाहते हैं, आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं या आप आर्किटेक्ट हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर है, या आप कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, सिविल इंजीनियर है, और आप वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमारी यह पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक सिंपल सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है, जिसे एक छोटा बच्चा भी पढ़कर समझ सकता है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।